हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीषाज क्रोशर्ट। आज की वीडियो में हम ब्यूटीफुल सा क्रोशे पैटर्न बनाएंगे। देखिए, बहुत ही इजी एंड ब्यूटीफुल क्रोशे पैटर्न है ये। इस पैटर्न के साथ हम बेबी ब्लैंकेट, बेबी स्वेटर, बेबी कैप, बेबी बेबी ड्रेस जैसी कई सारी चीजें हम इसके साथ बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल मनीषाज क्रोशे आर्ट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। ये 4 ply वूल है फ्रेंड्स और ये 10 नंबर क्रोशे हुक है। स्लिप नॉट 3 के मल्टीपल में हमें चेन बनानी है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 चेन बनाए हैं मैंने प्लस 1 चेन। 3 के मल्टीपल में आप जितने भी चेन बनाना चाहे उतने बना सकते हो। प्लस 1 चेन बनाई है मैंने 30 को। उसके बाद फर्स्ट वाली चेन को स्किप करके सेकंड वाली चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 30 सिंगल क्रोशे आएंगे टोटल। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29 और 30। थर्टी चेन में 30 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अभी हम सेकंड राउंड की शुरुआत करेंगे। 3 चेन 1, 2, 3 चेन इसे हम एज ए डबल क्रोशे काउंट करेंगे। उसके बाद 1 और 2 स्टिच को स्किप करेंगे और थर्ड वाली स्टिच में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3। वन टू स्टिच को स्किप करेंगे, थर्ड वाली स्टिच में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3। थर्ड वाली स्टिच में 3 डबल क्रोशे। 1, 2, 3। 1 और 2 स्टिच को स्किप करेंगे, थर्ड वाली स्टिच में 3 डबल क्रोशे।
फर्स्ट वाली लूप में यहाँ पर फर्स्ट वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, दोनों साइड में एक एक डबल क्रोशे आएगा, बीच में ये थ्री डबल क्रोशे वाला पैटर्न आएगा। अभी हम नेक्स्ट राउंड की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट लाइन वन चेन लेकर टर्न करना है, फर्स्ट वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इसके बाद हर एक स्टिच में ऐसे फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे इसी तरीके से लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट कर दिया है मैंने। अब थ्री चेन बनाएंगे, नेक्स्ट लाइन की शुरुआत करेंगे। थ्री चेन, वन और टू स्टिच को स्किप करेंगे, थर्ड वाली स्टिच में थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री, फिर से वन और टू स्टिच को स्किप करके थर्ड वाली स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे, थ्री डबल क्रोशे, टू थ्री, वन और टू स्टिच को स्किप करेंगे, थर्ड वाली स्टिच में थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री, वन और टू स्टिच को स्किप करके थर्ड वाली स्टिच में थ्री डबल क्रोशे, वन टू थ्री, ऐसे ही पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए लाइन कंप्लीट कर दी है मैंने। लास्ट वाले स्टिच पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, वन चेन लेकर टर्न करेंगे, फर्स्ट वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब सेकंड वाली स्टिच से फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे, हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे, फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे, देखिए लाइन कंप्लीट हो गई है। लास्ट वाले स्टिच में सिंगल क्रोशे और लाइन कंप्लीट हो गई। थ्री चेन बनाएंगे, वन टू थ्री चेन, इसे हम एज ए डबल क्रोशे काउंट करेंगे, फिर से वन और टू स्टिच को स्किप करेंगे, थर्ड वाली स्टिच में थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री, एक ही स्टिच में थ्री डबल क्रोशे, वन टू स्टिच को स्किप करेंगे, थर्ड वाली स्टिच में थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री,
वन टू स्टिच को स्किप करेंगे, थर्ड वाली स्टिच में थ्री डबल क्रोशे, वन टू थ्री, लास्ट वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, वन चेन लेकर टर्न करेंगे और इसके बाद अब फर्स्ट वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे और बाकी सभी स्टिच में एक फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरीके से लाइन बाय लाइन बनाते हुए जाएंगे। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।